आज के समय में क्या बदसूरत होना कोई गुनाह है? कैसा लगता होगा जब लोग मुझे बदसूरत के नाम से बुलाते होंगे? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं देखने में सुंदर नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सदमा तो तब लगा जब बदसूरती के साथ साथ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। उस दिन मेरे साथ, मेरा नाम रागनी है, मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे चेहरे में कुछ कमी थी, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ। मैं बड़ी हो चुकी थी और अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी कि मैं दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, इसीलिए मुझसे कौन शादी करेगा? यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था, लेकिन मैं अपनी ही दुनिया में खुश थी। मुझे शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए मेरा ध्यान पुलिस की भर्ती में होता है। मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे मेरी दोस्ती थी। मैं अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। मेरी सहेली मुझे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि हम दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने के लिए गई। घर में मेरी सहेली के माता पिता मेरा स्वागत शाही अंदाज में करते हैं। खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद मैं अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती हूँ और कुछ घंटों की गपशप के बाद मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। मेरे मामा मेरी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी और इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर दिया, जिस वजह से मेरे मामा जी नाराज़ होकर चले जाते हैं। मेरे माता पिता मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और मुझे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कल मुही कलूटी कहीं की तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके और हम सबका पीछा छूटे। यह सब सुनकर मैं दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती हूँ और रोने लगी। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए सोच रही थी कि इस ज़िंदगी से छुटकारा पा लूँ तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं साहसी लड़की थी, इसीलिए आत्महत्या का विचार मेरे दिमाग में ज़्यादा देर नहीं टिकता और मैं अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती थी। अगले दिन मुझे कॉलेज के पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी थी, इसीलिए मैं कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी गई। लाइब्रेरी में मैंने जो देखा, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक लड़का मेरी सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज़ देता है। मेरी सहेली उस लड़के को वह कागज़ वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और हम दोनों वहाँ से चले गए। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगा और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन हम दोनों सहेलियाँ अपने क्लास में बैठी होती हैं, अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से मेरी सहेली को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार मेरी सहेली ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लास से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था कराता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही हम दोनों सहेली वहाँ आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर हमारे सामने आ जाता है और मुझे वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। वह मेरी सहेली से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब मैं थोड़ा दूर हटने लगी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है तो मैं अपनी सहेली को ज़ोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती हूँ और वह लड़का तेजाब मेरी सहेली के चेहरे पर फेंक देता है।
लेकिन मैंने उस लड़के को धक्का दे दिया जिससे तेजाब मेरे चेहरे में आ गिरता है। तेजाब चेहरे में पड़ते ही मैं दर्द से छटपटा उठी और चीखने लगी। वहाँ मौजूद भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। मेरा पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। मुझे अस्पताल लाया गया। मेरी सहेली को मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं पहले से ही दुखी थी अपने चेहरे को लेकर, और तेजाब की वजह से मैं और भी भयानक दिखूंगी। मेरे साथ हादसा होते सुन मेरे माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह मुझे तकलीफ़ में देखकर रोने लगते हैं। मेरी सहेली उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहती हैं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। रागनी बहुत बहादुर लड़की है, उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। मेरी सहेली के पापा जो कि डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए रागनी ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं। और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और मेरा मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं और मुझे अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और इससे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज करवाता है। मेरे माता पिता मुझे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल मेरे माता पिता मन ही मन में सोच रहे थे कि रागनी ना बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक महीने के इलाज के बाद मेरा ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर मेरा चेहरा खोलते हैं, मैं किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर कहते हैं, बेटी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने हिम्मत करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ और डॉक्टर जैसे ही मेरे सामने आईना लाते हैं, मेरे होश उड़ जाते हैं। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मैं इतनी सुंदर बन सकती हूँ। अब मैं बदसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी थी। मेरी सहेली मुझे देखकर खुश हो जाती है। यह समझ में आता है कि बदसूरती के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।